सब कुछ तो उजड़ गया। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी में जितना भी किया जाए कम है। एक ही तो डॉक्टर है जिसने मेरी बीमारी को जड़ से पकड़ा है। हमारी एक एनजीओ है, अपने लोग। ये शौकिया तौर पर आए हैं मदद करने या वाकई गंभीर हैं इस मामले में? पागल बनाता फिर रहा है सभी को। मस्त राम अपनी बीवी भागमती उसको लेकर वापिस नहीं आया। मैं तो यहाँ ब्याह के आई थी, मैं तो सचमुच महसूस करने लगी थी कि कोई स्वर्ग आ गई हूँ। बाबा जी और कितनी दूर है? पासी है, पहुंचे समझो। अरे गिरी बाबा जी, जय काल भैरव की। जय काल भैरव। कहो को गिराम, कैसे हो? ठीक है बाबा जी। किस तरफ जा रहे हैं? दूसरे गांव जा रहे हैं, अनुष्ठान करने। अच्छा 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 अच्छा, चेला को भी कोई सिद्धियां दी क्या? नहीं। क्यों नहीं क्यों नहीं, मेरे बाद सारा काम यही तो संभालेगा। जय बाबा गिरी जी की। दोगीराम, गांव में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई लेकिन गांव वाले सुधरे नहीं। मतलब? गांव में ही रहते हो कि कहीं और? बाबा जी बताए तो पता चले। देवता का अनादर हुआ है। अनादर? हाँ, देवता को स्थापित करने का किसका अधिकार है? किसका बाबा जी? मेरा। अनुष्ठान करने पड़ते हैं, देवता को मनाना पड़ता है। देवता बदला लेगा, पूरे गांव से बदला लेगा। जय काल भैरव। जय काल भैरव। सुमन जी, आपको हमारी एनजीओ की तरफ से हर सहायता दी जाएगी, लेकिन बदले में आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। जी कहिए। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, उनके माँ बाप को समझाना है कि पढ़ने का महत्व क्या है। बदले में जो भी आर्थिक सहायता होगी वो हम आपको दे देंगे। जी। अगर हम आपको अपनी एनजीओ का नुमाइंदा ही बना दें तो? देखिए, मैं भी गांव की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपके साथ जुड़ी रही तो जो बाकी संस्थाएं हैं वो आप मेरी मजबूरी समझ पा रहे होंगे। जी मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपका हुनर देख के आपका मुरीद तो हो ही चुका हूँ। कोई बात नहीं, हम सिर्फ काम पर ही ध्यान देंगे। मैं कल ही टीन के शर्ट्स का ऑर्डर दे देता हूँ। अरे मस्तराम जी, क्या हाल चाल है? ओहो गुग्गी, तुम बड़े दिनों बाद आए हो यार। क्या बताएं मस्तराम जी, काम धंधा तो चौपट हो गया, ना जाने जिंदगी कब पटरी पर आएगी। सुना कोई एनजीओ वाले आए हैं? आते रहते हैं, कभी नेता आते हैं कभी ब्यूरोक्रेट आते हैं, और अब एनजीओ वाले। बात कुछ बनेगी भी या नहीं? क्या बनेगी, गांव में बदकिस्मती का साया है। मस्त राम जी, हा? आप ही बताओ, कभी आपने सुना था कि पूरे का पूरा गांव बह गया? बहा ना, और आपकी धर्मपत्नी भागमती? भागमती नहीं, उसका नाम बदल दिया है, सोना रखा है। वाह, क्या खूबसूरत नाम रखा है। उसने कितनी जगह इलाज करवाया, हर महीने 2-3 बार शहर जाना ही पड़ता है। इसी को तो कहते हैं बदकिस्मती, किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा। ठीक कह रहे हो गुग्गी, कुछ तो है। गिरी बाबा भी यही कह रहे थे। वो गिरी बाबा ही तो कह रहा था, देवता का अनादर हुआ है। अच्छा? देवता को खुश करना होगा, समझे? सही है। ये लीजिए। कमला, सुमन को काम दिलवा दिया है, वो एनजीओ के साथ मिलकर काम करेगी, इससे उसकी आमदनी का जरिया भी बन जाएगा। और सुमन की बहुत फिक्र रहने लगी है आजकल आपको। अरे वो बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, और मुझे कुछ ही दिनों में उससे देवता से माफी मंगवानी है। मैं सरपंच हूँ और मुझे सभी गांव वालों का ख्याल रखना पड़ता है। और क्या क्या मदद दिलवाई है उसे? बस थोड़ा बहुत सामान और
कुछ टीन की चादरें। वो किस लिए? वो इसलिए कि वो अपने टेंट को मजबूत कर सके और ठंड और बरसात से बचाव हो सके। वो यहाँ आने के लिए तो तैयार ही नहीं। इसे जिद्दी नहीं बदतमीज कहते हैं। बसंत के चाचा चाची शरीफ हैं। बसंत के माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने बसंत को अपनी औलाद की तरह पाला। अपनी औलाद भी तो नहीं थी ना। बसंत के जाने के बाद उसके आने वाली औलाद की चाह में सब कुछ सहन करते जा रहे हैं। जो उसके जी में आए वो करे। बस बच्चों की पढ़ाई पर काम करेगी वो। पढ़ाई लिखाई बुरी बात तो नहीं है, पर गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे ये देखने वाली बात है। सुमन, पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कितनी बातें हैं जो तुमसे करनी थी पर तुम थे ही नहीं। लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही होता हूँ सुमन। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझा करो। बसंत, मेरे मन में कितनी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है, जो उस रात भी नहीं हुई। अब तो मुझे सुनोगे ना? हाँ बाबा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। खुश? खुश। तो सुनाओ। तो सुनो, एक खुशखबरी है। तुम्हें पता है एनजीओ वालों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा है मुझे। सच? सच। तुम यही चाहते थे ना? देखो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है सुमन, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे गांव के बच्चों को ठीक से पढ़ाना, तभी तो मेरा गांव तरक्की कर पाएगा ना, समझी? हाँ। अगर तुम साथ रहे ना तो देखना मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुमन, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश था, जानती हो ना? मैं भी। बेटी, मैं तो चाहता था कि तुम अपने चाचा चाची के साथ गांव में चल के आसरा ले लेते, लेकिन तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। सरपंच जी, जिस जगह से यादें जुड़ी हो ना उन्हें छोड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। राजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिन यादों में सिर्फ तबाही के मंजर बसे हों उन्हें सहेजना भी तो दुखी देता है, क्योंकि जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। जिंदगी तो आगे बढ़ेगी ही सरपंच जी, लेकिन अतीत अतीत हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। आप ठीक कह रही हैं सुमन जी, जो लोग अतीत के साथ जुड़े रहते हैं ना वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, और हमें उम्मीद है कि हम भी आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ तो बेटी, मैं ये बताने आया था कि राज जी की एनजीओ अपने लोग तुम लोगों के लिए जो यहाँ रहना चाहते हैं टीन के शेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने आया था मैं। क्यों राजी, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल सरपंच जी, हमारे एनजीओ का मकसद ही यही है, इसीलिए तो हम इधर आए हैं। शहर से कुछ लोग आए थे, टीन का पक्का शेड बना कर गए। अरे कुग्गी, भला कभी टीन का शेड भी पक्का हुआ है? वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, वक्त हर मरहम भर देता है। अगर लोग पढ़ लिख गए तो हमारे पास कौन आएगा? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या बात कर रहा है,
सुमन को टीन का शेड? राज क्या है? ठेकेदार साहब, राज का तो पता है, लेकिन शहर से कुछ लोग आए थे, टीन का पक्का शेड बना कर गए। अरे कुग्गी, भला कभी टीन का शेड भी पक्का हुआ है? उसे कच्चा ही समझो। साहब, टेंट में रहने वाले लोगों को टीन का शेड मिल जाए तो पक्का ही हो गया समझो। चलो मान ली तेरी बात, पर सुमन पर ही नजर इनायत क्यों? पता तो लगाओ। इसकी खबर कल तक आपको मिल जाएगी साहब। अफवाहों और खबरों में फर्क होता है कुकी, याद रहे। कुकी जो बताएगा ना साहब जी, वो खबर खबर होगी। तुम चलो, मैं पुजारी से मिलकर आता हूँ। जी सर। आओ आओ ठेकेदार जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आज कैसे रास्ता भूल गए? बस वक्त मिला और सोचा आपके दर्शन कर लें। और सुनाइए। क्या सुनाओ पंडित जी, बादल फटने की वजह से मौत का तांडव हो गया, बस कुछ लोग ही बच पाए। सो तो है। खैर, आप तो ज्ञानी हैं, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? किस बारे में? इसी बारे में कि जिंदगी लौटकर पटरी पे कब आएगी। लौट आएगी, वक्त लगेगा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त हर मरहम भर देता है, लेकिन और चारा भी क्या है? श्री भागवत गीता में भी तो यही लिखा है, भूतकाल पर पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है, यही मूल मंत्र है खुशहाली का। धीरे धीरे गांव के लोग इसके आदी हो जाएंगे, यही जिंदगी है। जिंदगी का लौटना बहुत जरूरी है पंडित जी। लौट आएगी, लेकिन वक्त लगेगा, वक्त हर जख्म को भर देगा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, वक्त ही मरहम भी लगाएगा। उसी वक्त में मैं भी बंधा हूँ पंडित जी। खैर, आप छोड़िए, मेरा हाथ देखिए और बताइए मेरी रेखाएं क्या कहती हैं। आओ। बताइए पंडित जी, आपके हाथ की रेखाएं तो एकदम साफ है ठेकेदार जी। अरे कहते क्या है पंडित जी? सच कहूं या फिर? अरे सच ही बताइए। भविष्य कुछ खतरे में नजर आ रहा है। क्या मतलब? अंधकार है, निराशा है, बेचैनी है। बस बस, एक ही बात को बार बार बताने की क्या जरूरत है? सुन लिया मैंने। लेकिन उपाय भी है ठेकेदार जी। क्या उपाय है पंडित जी? हवन करना होगा। कब करें? जैसे आपकी इच्छा। मैं अभी देख के बता देता हूँ जी। हाँ, अगले हफ्ते मंगलवार का दिन, माँ दुर्गा का वार है। ठीक है पंडित जी, आप सामग्री लिखिए, मैं किसी को भेजकर लिस्ट ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। आ गया पंडित जी। जय जय बाबा जी। गजब बाबा जी, गजब बाबा जी, गजब हो गया बाबा जी, गजब हो गया। क्या हुआ जेलाराम, इतने परेशान क्यों हो? बाबा जी वो सुमन। अब सुमन ने क्या कर दिया? बाबा जी उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, ऐसा चलता रहा तो हम क्या करेंगे? लेकिन गांव का स्कूल तो बंद पड़ा है, वो कैसे पढ़ा सकती है? बाबा जी ये सब सामाजिक संस्था का किया दरा है, उन्होंने सुमन को बताया कि गांव की तरक्की के लिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, ये उन्हीं की आग लगाई हुई है। ये बात तो सोचने की है, अगर लोग पढ़ लिख गए तो हमारे पास कौन आएगा, हमारा काम धंधा तो बंद हो जाएगा।
इसका इलाज तो करना पड़ेगा, इसका उपाय तो करना पड़ेगा। बाबा जी क्या उपाय किया जाए? सुनो चेला राम, गांव के लोगों को इसके खिलाफ भड़काओ, कहो कि ये औरत जो कार्य कर रही है इससे देवता नाराज होगा, नाराज होगा देवता, उसका प्रकोप हम पे टूट पड़ेगा। अभी अब ये जो कार्य कर रही है, नया प्रपंच कर रही है, इससे और प्रलय आएगी, देवता नाराज हो जाएंगे, और इस बार देवता नाराज हुए तो हम बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जय काल भैरव। पर बाबा जी क्या गांव वाले हमारी बातों का यकीन करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उन्हें यकीन करना ही होगा। उन्हें समझाओ, और अगर हम उन्हें नहीं समझा पाए और वो नहीं समझे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, समझे? जय काल भैरव। ठीक है बाबा जी, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, कामयाबी। पहले टीम का शेड, हम मास्टर नहीं, पता चलाओ कि माजरा क्या है। उन लोगों को पढ़ाई की अहमियत का पता चल गया, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस काम में रोड़े नाट गए। बात तुमने छेड़ी है कमला, तुमने, तुम्हें तो टीम के शेड दिलाने पर भी आपत्ति थी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कोई खबर लायो? जी साहब। पता चला कि सुमन को टीन का शेड किस लिए दिया गया? ये तो नहीं पता चला साहब, लेकिन एक खबर लाया हूँ। क्या? सुमन को मास्टरनी बना दिया। मास्टरनी? हाँ हाँ, एनजीओ वालों ने गांव के सभी बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सुमन पे छोड़ दी है। मगर गांव में तो सरकारी स्कूल है, और उसमें सरकारी स्कूल में मास्टर जी भी तो हैं। मास्टर जी क्या पढ़ाते हैं ये सबको पता है। हाँ, सुमन के आने के बाद क्या परिवर्तन होगा ये अभी कहना नामुमकिन है। पहले टीम का शेड, हम मास्टर नहीं, पता चलाओ कि माजरा क्या है। ठीक है साहब, मैं पता लगाऊंगा। सुमन पर ही नजर इनायत क्यों है? सुमन बेटी, तुमने जिस काम के लिए हामी भरी है ना, वो काम इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है चाची जी, मैं अपने गांव में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, और इसी बहाने वक्त कट जाएगा। अरे सुमन बेटी बखूबी ये काम कर लेगी, मुझे पूरा यकीन है। सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं है, सुमन तो चलो नादान है, पर आप तो अच्छी तरह से समझते हैं। हो सकता है उन लोगों को पढ़ाई की अहमियत का पता चल गया, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस काम में रोड़े नाट गए। तो क्या बच्चों को पढ़ने से भी रोका जाता है? रोका जाता था, तभी तो सरकारी स्कूल में कितने ही बच्चे हैं, और वो भी कभी अगली क्लास में नहीं चढ़ते, बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए गांव वालों को पढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा, तभी तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों को या उनके माँ बाप को पढ़ाई के लिए मनाना सिर्फ मेरा काम ना होकर अगर हम सब मिलकर करें तो आप देखना हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब होंगे। चाचा जी आपका साथ चाहिए बस,
अरे सुमन बेटी, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारा तुम्हारे सिवा है भी कौन? अपने यहाँ औलाद ना हुई, बसंत को अपना बच्चा समझकर पाला पोसा, और वो भी शायद भगवान को हमसे ज्यादा जरूरत थी उसकी, चला गया। और अब इस उम्र में तुम ही हमारी एक उम्मीद हो। ये जो मैंने सुना है सच है क्या? अब तुमने क्या सुना है पहले तुम बताओ। यही कि सुमन को अध्यापिका की नौकरी मिल गई है। नहीं अभी तो नहीं मिली, शायद मिल जाएगी। तब तक एनजीओ वाले उसे खर्चा दिया करेंगे, इससे हमारे मास्टर जी की मदद भी हो जाएगी, और सुमन तो है ही जुनूनी। मुझे लगता है वो इस मिशन को कामयाब करने के लिए अपना योगदान जरूर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आजकल सुमन को लेकर आपका विश्वास कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा है? अपनी कल्पना की उड़ान को ऊंची परवाज ना भरने दें। अरे तुम पागल हो गई हो, कैसी सोच है तुम्हारी? पता है वो हमारी बच्ची के समान है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो जिसके बारे में सोचते भी घिन आती है? आप खामखा बात को बड़ा बना रहे हैं। बात तुमने छेड़ी है कमला, तुमने। तुम्हें तो टीन के शेड दिलाने पर भी आपत्ति थी, लेकिन जानती हो ये टीन के शेड बनाने का बेड़ा किसने उठाया है? सुमन के पिता ने। सुमन के पिता ने? हाँ, वो तो सुमन को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन सुमन ही नहीं मानी। बाद में उन्होंने एनजीओ के साथ मिलके उन्होंने ये शेड बनाने का बेड़ा उठाया, और ये बात सुमन भी नहीं जानती। अच्छा, नमस्ते सुमन जी। हो गई पूजा? जी हो गई। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान जी के दर्शन करने चाहिए, तो बस उसी काम से आई थी। बहुत बढ़िया। वैसे क्या मांगा भगवान से? जो मांगा जाता है राज जी, उसे बताया नहीं जाता। चलिए यह भी बढ़िया है। वैसे कुछ भी मांगा हो उस पे अपने गांव की खुशहाली की कामना तो की ही होगी। जी उम्मीद है आप भी यही मांगेंगे। जरूर, मैं चलती। जी जय संक्री बाबा। जय संक्री बाबा। सुमन पर ही कुछ ज्यादा नजर इनायत है आपकी। अच्छा बेटी, तुम आज से अपना काम शुरू कर दो। मस्त राम जी, जो आग दिल में लगती है ना, उसका धुआं नजर नहीं आता। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं होती, लेकिन हमारे गांव के लोगों में जागरूकता की कमी है। क्या आप सच में चाहते हैं कि गांव की तरक्की हो? देखो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कितने बदकिस्मत हैं वो लोग, इतने ताकतवर होते हुए भी उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। पूजा पाठ से ठेकेदार के सारे पाप धुल जाएंगे। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था, उजड़ चुके एक चमन।